पूरे झारखंड के अंदर में, पूरे राज्य में बहुत ही ओहापोह स्थिति पैदा हो गई है महोदय, यह नियोजन नीति लेकर के। तो सरकार ने कैबिनेट में लाया, इसको पास किया, उसको सदन में घोषणा करना चाहिए था महोदय, और ये सदन का अवमानना का मैं मानता हूँ महोदय। महोदय महोदय एक महोदय 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 ये सदन का अवमानना हो रहा है महोदय। कैबिनेट में लाया गया, कैबिनेट में पास हुआ तो उसको सदन में आना चाहिए, और सदन में आने के बाद यहाँ पर घोषणा करना चाहिए महोदय। आज लोगों को पूरा स्थिति पूरे राज्य में ये कौन है स्थानीय, आपका आपका सूचना आ गया, माननीय मंत्री जी संज्ञान ले लिए उसको, ठीक है। जो नियोजन नीति जो पिछले बार आई थी अध्यक्ष महोदय, ये सर्वसम्मति से झारखंड विधानसभा में हम लोगों ने पास किया था, लेकिन पेपर मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रहा है कि आज जो नियोजन नीति जो आया है, जो हम लोग 1932 की जो लेके आए थे, उससे हट करके 2016 से पहले का जो नियोजन नीति था उसको हम लोग लागू करेंगे, इस तरह का पेपर में आ रहा है अध्यक्ष महोदय। क्योंकि सर्वसम्मति से हम लोगों ने सदन में पास किया था, इसलिए अध्यक्ष महोदय सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, पूरे झारखंड प्रदेश के लोगों को बतलाना चाहिए कि आज जो 2016 में जो नियोजन नीति जो उससे पहले था उसको लागू कर रहे, उसमें क्या है अध्यक्ष महोदय। और 1932 अध्यक्ष महोदय, 1932 वाला जो सर्वसम्मति से जो हम लोग पास किए थे उसमें सरकार को क्या कहना है अध्यक्ष महोदय। ये अध्यक्ष महोदय मान्य झारखंड के लोगों के साथ अध्यक्ष महोदय ये धोखा होगी लोगों को। मान्य सदस्य इस विषय को आप भी समझते हैं, सारे माननीय सदस्य समझते हैं, यहाँ तक कि राज्य के तमाम जनता भी इस विषय पर समझ रहे हैं। ठीक है, ठीक ठीक, माध्यम से जानकारी प्राप्त हो अध्यक्ष महोदय। मनीष जायसवाल जी, देखिए आप लोग के सहयोग से सदन का कार्रवाई कितना बेहतर ढंग से चल रहा था। आप लोग बैठिए, संसदीय कार्य मंत्री कुछ कहना चाह रहे हैं। माननीय सदस्य अभी चर्चा कर रहे थे, ये नियोजन नीति कैबिनेट में पारित करा दिया, विधानसभा में नहीं लाया। जैसे कहा कि उन लोगों ने कि विधानसभा से पारित करके नियोजन नीति भेजा गया था सर्वसम्मति से, लेकिन हाई कोर्ट का जो निर्देश आया वो सब कोई आप लोगों को जानकारी है, और हम यही कहना चाहते हैं कि प्रश्नकाल चलने दिया जाए, सरकार का जवाब होगा 13 तारीख को होगा, उस दिन दिया जाएगा जवाब इसका। नहीं आज नहीं, चलने दीजिए, हम बोल रहे सरकार का जवाब होगा, मनीष जी पूछिए, जवाब हम लोग देंगे विधानसभा में देंगे, हम कहाँ भाग रहे हैं, पूछिए, चाह रहे हैं कि हम जवाब दें क्या कारण से जो सर्वसम्मति क्रम में नियोजन नीति यहाँ से पारित किया गया था, बाद में उसका निरस्त हुआ, ये सारी बातों को रखने का काम हम लोग करेंगे, लेकिन हमें समय तो दे, हम तो बोले वोट देंगे। हाईकोर्ट के द्वारा इस निर्णय को रद्द कर दिया अध्यक्ष महोदय, माननीय हाईकोर्ट ने क्या निर्णय दिया ये तो सदन जानना चाहिए कि ना अध्यक्ष महोदय, कि आप उसको पिछला दरवाजा से कैबिनेट से पास करके अपने मन मुताबिक अध्यक्ष महोदय उसको आप नियोजन नीति को 2016 से पूर्व वाला कर दीजिएगा, तो अध्यक्ष महोदय जो सदन का जो निर्णय था इसको हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, तो सदन को जानकारी क्या हो सकता है कि नहीं अध्यक्ष महोदय, कि अध्यक्ष महोदय कैबिनेट से जो मन में आएगा सो कर देंगे, हमारा सदन का इसका मतलब कोई महत्व आपके द्वारा जो अध्यक्ष महोदय जो पास किया गया, ये तो एक तरह से अध्यक्ष महोदय सदन का अवमान है अध्यक्ष महोदय। इसलिए अध्यक्ष महोदय हम लोग चाहते हैं कि पहले यहाँ पर अध्यक्ष महोदय पहले इस सदन में नियोजन नीति पर चर्चा होना चाहिए, क्या हुआ 1932, क्या हुआ अध्यक्ष महोदय, ये हम लोग तो उसमें सरकार के द्वारा जो लाया गया तो उसके साथ थे अध्यक्ष महोदय, अभी अकेले अध्यक्ष महोदय मान्य सदस्य
आपका बात को माननीय मंत्री जी अस्वीकार किए ऐसा तो नहीं अस्वीकार, लेकिन आपका बात को तो मान लिए अस्वीकार किए इसलिए तो, लेकिन लेकिन उनके साथ आपसे आग्रह भी किए जब प्रश्नकाल चलने दीजिए। और अभी 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 24 तक हम लोग का सदन चलना है, 24 तक सदन चलना है, जवाब देंगे, जवाब देंगे। अध्यक्ष महोदय, इनका कैबिनेट से पास किया हुआ निर्णय के एक दिन के बाद अध्यक्ष महोदय हम लोग पूछ रहे हैं, उसके बाद भी अध्यक्ष महोदय तैयार नहीं है सरकार। इसका मतलब मन में अध्यक्ष महोदय कहीं ना कहीं झारखंड के लोगों के प्रति अध्यक्ष महोदय सरकार का भावना जो है वो सामने उजागर हो रही है अध्यक्ष महोदय। इसलिए अध्यक्ष महोदय आज यहाँ पर सरकार को पहले सदन में आपने जवाब देना चाहिए कि 1932 नियोजन नीति का क्या हुआ अध्यक्ष महोदय। इसलिए अध्यक्ष महोदय हम लोग आपसे संरक्षण चाहते हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय आप जोहार यात्रा निकाल रहे हैं, चुपके से पास करा रहे हैं कैबिनेट से। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये चलते सत्र में कैबिनेट में 1932 का कप्यान मैंने नियोजन नीति इसको पास कराएगा, तो महोदय क्या ये नियम नहीं है कि कैबिनेट में पास होने के बाद उसको चलते सत्र में या सदन के अंदर में उसको घोषणा करना चाहिए? और इसी के चलते आज पूरे राज्य में वापसी की स्थिति बनी हुई है कि नियोजन नीति क्या हुआ नहीं हुआ, किसको मिलेगा नियोजन, कौन है यहाँ का स्थानीय? माननीय मनीष जायसवाल जी, मनीष जायसवाल जी, सर हाउस ऑर्डर में रहे तब तो बोले सर, हाउस ऑर्डर में है सर, हम क्या कर रहे हैं सर, हम